नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विदिशा, किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा के ग्यारसपुर हैगढ़ क्षेत्र में हुई अति बारिश और आंधी तूफान से क्षेत्र के किसानों की फसल, पहले उड़द सोयाबीन अब धान नष्ट हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और निवेदन किया है कि सर्वे कराया जाए, समय पर उचित बीमा दिया जाए एवं किसानों को अपनी फसल का उचित दाम दिया जाए। सोयाबीन 6,000 रुपये, धान 4,000 रुपये, मक्का 2,500 रुपये। ग्यारसपुर हैदरगढ़ गुलाबगंज क्षेत्र में नहर तालाब से हर खेत तक पानी की व्यवस्था हो। उपरोक्त सभी मांगों को लेकर क्षेत्रीय किसानों द्वारा 16 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा। अनुरोध किया है कि अति शीघ्र सर्वे कराया जाए, जिसमें अरविंद सिंह राजपूत अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्यारसपुर प्रीति शंकर दयाल शर्मा, जनपद उपाध्यक्ष अनीस खान, जनपद सदस्य भूपेंद्र यादव, लीलाधर कुशवाहा, निर्भय लोधी, धीरज सिंह, आकाश मीना, महेंद्र सिंह राजपूत, राजा राजपूत, गोलू यादव, जसमंत सिंह, विजय मीना, सोदान सिंह, विनोद, शिवराज मीना, फूल बाबू, गजराज सिंह, हरेन्द्र कृपाल सिंह, शिवराम मीना आदि मौजूद थे। ग्यारसपुर से संवाददाता अनीस खान मंसूरी की रिपोर्ट।